और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है, और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर, और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था, वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है, लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं, वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिन्होंने उन्हें जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं, उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है, सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे। विभव कुमार जी ने आज दिल्ली पुलिस के पास स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की है, और उस कंप्लेंट में उन्होंने 13 मई को हुए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बहुत स्पष्ट तौर से रखा है। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई है पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया
कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की। और वो पुलिस वालों से झगड़ा कर और वो सीएम आवास में, जो सीएम रेजिडेंस का कैंपस है, उसके अंदर घुस गए। सिक्योरिटी उन्होंने फिर से कहा कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप सीएम आवास में नहीं जा सकती हैं। और वो उन्हें सीएम रेजिडेंस के वेटिंग रूम में, जो वेटिंग रूम सीएम के रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग जहां पे वो रहते हैं उससे बाहर है, वहां पर लेके गए, वहां पर बैठाया। उनको फिर से बताया गया आपके पास अपॉइंटमेंट आज नहीं है। वेटिंग रूम में बैठने के कुछ देर बाद वो जोर जबरदस्ती कर सीएम रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग में, जहां पर मुख्यमंत्री और उनका परिवार रहता है, उस बिल्डिंग के अंदर घुस गई और वहां पर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। वहां पर उन्होंने कहा कि सीएम को बुलाओ, अभी बुलाओ, मुझे अभी मिलना है। अब आप मुझे बताइए, स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की सांसद हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीका होता है? क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री की कई शेड्यूल बिजी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उपलब्ध हो? तो फिर क्या कारण था जो वो सुबह सुबह बिना अपॉइंटमेंट के जोर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुस गई और बैठ गई और सीएम से मिलने के लिए जबरदस्ती कर रही थी? तब सीएम रेजिडेंस के स्टाफ ने विभव कुमार जी को फोन किया। 10-15 मिनट बाद विभव कुमार जी आए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को ड्राइंग रूम में बताया कि आज मुख्यमंत्री जी अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार जी से ऊंची आवाज में बहस करनी शुरू कर दी। उन्होंने कोशिश करी कि वो ड्राइंग रूम से निकलकर घर के अंदर के हिस्सों में जाने की कोशिश करें। विभव कुमार जी उनके सामने खड़े हो गए और स्वाति जी को अंदर नहीं जाने दिए। स्वाति जी ने उनको धक्का देने की कोशिश की, परंतु विभव जी फिर भी वहां पे खड़े रहे। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को अंदर नहीं जाने दिया। फिर विभव कुमार जी बाहर आए और उन्होंने सीएम ऑफिस के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया और उनको कहा कि वो स्वाति मालीवाल जी को बाहर एस्कॉर्ट करें। इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज साबित होती है कि ये एक षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोचा गया षड्यंत्र था। स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया, मुख्यमंत्री जी को फंसाने का इरादा था, तभी सुबह सुबह जोर जबरदस्ती से मुख्यमंत्री आवास में घुस के मुख्यमंत्री जी से मिलने की जबरदस्ती की जा रही थी। ये इस बात से भी साबित हो रहा है कि स्वाति मालीवाल जी मुख्यमंत्री आवास से पुलिस थाने गई, पुलिस ने उन्हें एमएलसी कराने को कहा, लेकिन उन्होंने एमएलसी कराने से मना कर दिया। फिर 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नए झूठ के साथ स्वाति मालीवाल जी को सामने लेकर आई। लेकिन यह पूरा प्रकरण, आज जो वीडियो सामने आया है, जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल जी पुलिस वालों को धमका रही हैं, विभव कुमार जी को धमका रही हैं, जिस प्रकार से सोफे पर बैठी हुई हैं, जिस प्रकार से ये स्पष्ट है कि वो उनके साथ, वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि वो आराम से बैठी हुई हैं, ना दर्द में कराह रही हैं, ना उनके कपड़े फटे हुए हैं, ना उनके सर पर चोट लगी हुई है, तो ये पूरा वीडियो स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने लेकर आता है और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को साफ कर देता है। देखिए, जब संजय सिंह जी ने मीडिया में देखा कि स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत करी है, वो पुलिस थाने गई, तब वो स्वाति मालीवाल जी से मिले, परंतु तब तक उनके सामने सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का पक्ष था। लेकिन अब
उनके सामने विभव कुमार जी का भी पक्ष आया है, और सबसे जरूरी बात ये वीडियो सामने आया है जो साफ साफ दिखा रहा है कि जो सारी बातें इस शिकायत पत्र में कही गई, इस एफआईआर में कही गई, वो बिल्कुल झूठ है, वो ये वीडियो दिखा रहा है। देखिए, इस पूरे जो आपका ये सवाल है कि क्या संजय सिंह जी ने क्या कहा, क्या एक्शन लिया, इस पूरे मुद्दे पर संजय सिंह जी को एक ही पक्ष उपलब्ध था। अब दोनों पक्ष हमारे सामने उपलब्ध हैं। ये वीडियो ना सिर्फ हमारे सामने बल्कि पूरे देश के सामने, ये वीडियो साफ कर देता है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ झूठ था, और अब जो ये झूठ है वो पूरे देश के सामने आ गया।